जहाँ हर तरफ है वेडिंग का शोर, हम भी वीडियो बनाना क्यों दे छोड़। हो रहे होंगे आप भी कहीं ना कहीं बोर, तो चलिए देखते हैं ऐसे नमूनों का डांस जिनका नहीं है कोई दुनिया में। तो हे गाइस, एक तरफ हम सभी अंबानी की शादियों में बिजी थे। ओह सॉरी, आपको तो नहीं बुलाया होगा, पर मुझे बुलाया था उन्होंने। वो अलग बात है कि मैं कहीं दिखी नहीं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कुछ ज्यादा ही कम दिनों तक उनकी शादी नहीं चली? नहीं, थोड़े और दिन तक खींचनी चाहिए थी। खैर, बड़े लोगों की बड़ी बातें। सही बात है। एक तरफ तो उनकी शादियों की डांस, वही हमारे इंडिया में भी कुछ माइकल सेक्शंस पैदा हो गए जिनको कोई भाव नहीं दे रहा। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये भाई अभी जस्ट मेंटल हॉस्पिटल से भागकर बारात में आया है। इसको मौजे सुंघाने की बजाय लोग नचवा रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। भाई, हम आपके जल्दी से ठीक होने की दुआ करते हैं, क्योंकि आप मरे ना मरे हमें स्वर्ग तक जरूर पहुंचा देंगे आप। स्वर्ग? नरक में मुश्किल से सीट मिलेगी तुझे। अबे चुप। A few moments later. मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो। बहन, हम तेरी दुख दर्द पीड़ा समझ सकते हैं। अब पति ऐसा डांस करे, गुस्सा तो आएगा ना। सही पकड़े हैं। बेचारे नए नवेले पति को दुख सहने की शक्ति देना भगवान। ओ तेरी, आजकल लोग मुर्गे को भी इनविटेशन दे रहे हैं, और एक हम है इंसान होते हुए भी कोई नहीं बुला रहा। गजब बेइज्जती है, घोर कलयुग है भाई। मुझे तो डर है कहीं ये मुर्गा अंडा ना दे दे, वरना पता चलेगा। रसगुल्ले की कमी होने पर शादियों में बांटे जा रहे थे मुर्गों के अंडे। क्या इतना बुरा हूं मैं मां। अबे यार, इंसान नहीं मिला तो कुत्ते से ही काम चला लिया। चारा कुत्ता भी सोच रहा होगा कि भाई ऐसे इंसान को काटू कि ना काटू जिसका पहले से ही किसी ने काटा हो। गजब बेइज्जती है। भाई, ये कंगारू कहाँ से आ गया शादी में? लगता है आसपास में चिड़िया घर होगा, वहीं से भाग के आया है। देखा अपने लापरवाही का नतीजा। मानती हूँ कुछ साल बाद अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती, पर इतनी नफरत की उसको नाली में उठा के फेंक देने का, ना बाबा ना। मरना तेरे को डर नहीं लगता? पर मैडम का भी कॉन्फिडेंस देखो, गिरने के बाद भी नाचना नहीं छोड़ा। वाह, चीन टपाक डम डम। भाई, ये सब करने के बाद भी दूल्हे की सालियां तुझे नहीं देखेगी? और देखेगी भी क्यों, ना शक्ल है ना अकल। माना कि दो पैग चलती है शादी में, पर इतना भी हैबी नहीं लेने का कि दिल और फेफड़ा सब मुंह से बाहर आ जाए। नॉनसेंस। ये भाई पक्का संदीप महेश्वरी से इंस्पायर्ड है 100%। कि जो भी काम करूंगा अपना 100% दूंगा, चाहे पैंट फट के हाथ में आ जाए, इज्जत बाहर में जाए, नाचना नहीं छोड़ूंगा। भाई, नहाना धोना शादी में आने से पहले करना होता है, या कार्ड में ऐसा लिखा होगा घर से नहा कर आने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पूरा प्रावधान किया गया है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। एंड बच्चे भी लाइक, मेरी बुआ की शादी में जलूल से जलूल नहाना। हा, 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 हा। ए, बाजा, बाजा। भाई के अंदर अचानक से बुरी आत्मा प्रवेश कर गई है, इसे बाबा बाबा के पास लेके जाओ भाई। कोई
अबे जीजे कौन सा जॉइंट लेके बैठा है? आज के बाद लड़कियां कभी नहीं बोलेगी आओ जीजू डांस करो। दिल दहला दिया भाई तूने तो। पर हमारी दीदी कौन से कम बात है। वाह दीदी वाह दीदी नहीं नहीं दीदी वाह दीदी दीदी सर ने तो दीदी को भी फेल कर दिया। ए रहा नहीं जाता। चलो किसी ने सही सस्ते माइकल जैक्सन की इज्जत तो रखी। बात तो सही है भाई। ये सब दृश्य देखकर तो शादी से विश्वास ही उठ गया। ओह नो। अपन सिंगल ही ठीक है भैया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, शादी से लगता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा।